मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनु मम्मा ड्रीम। तो ब्लॉग को कर दिया है मैंने शुरू, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज है होली, तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको मेरी तरफ से। बाकी तो मालूम क्या, होली पे सारे लोग जा रहे हैं होली पूजने के लिए, खास कर लेडीज, लेकिन मैं कभी जाती नहीं हूँ। तो होली पे यहाँ पे मालूम क्या, यहाँ पे सारी लेडीजें जाती हैं होली पूजने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ मैरिड होती हैं वो कोई नहीं जाती हैं, कवारी लड़कियाँ ही जाती हैं। तो मैं कभी गई नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं जाती नहीं हूँ। लेकिन मेरे मोहल्ले में ना सारे लोग गए हुए हैं, मेरे ऊपर जो रहती हैं वो भी गई हुई हैं, बस मैं ही अकेली ऐसी बची हूँ जो नहीं गई हूँ। सोनी भी गई हुई है। तो चलिए, जिसके यहाँ जैसी रीति रिवाज होती है लोग वैसे ही मनाते हैं, और मेरे यहाँ जैसे करते वैसे मैं करती हूँ। तो चलिए, ब्लॉग को कर लिया है मैंने शुरू, और इस टाइम पर मेरे लिए आज बहुत ज़्यादा काम हो गया है, क्योंकि मैंने कोई होली की खास तैयारी की नहीं है। थोड़ा कुछ बनाना भी है तो बस मैं जा रही हूँ आज बनाने के लिए। तो मैंने दाल भिगो के रखी हुई है, जो कि मूंग की दाल, जो मुझे बनाने हैं दही भल्ले, और दूसरा बनाना है, चलिए किसी में ही चलती हूँ मैं। मैंने भगोने में दाल भिगो के रखी थी मूंग की। वैसे मैं क्या करती, छिलके वाली दाल होती है ना उसको भिगो देती हूँ, तो ज़्यादातर मैं उसी के बनाती हूँ। लेकिन अब की बार मैंने क्या करा, मूंग की दाल आती है ना जो बगैर छिलके वाली, यानी कि क्या बोलते, धुली हुई, तो धुली हुई वाली दाल है ये, जो कि मैंने देखिए भिगो दी है। और शाम को मुझे याद ही नहीं रहा तो मैं शाम को भिगो देती, तो सुबह ना फटाफट बन जाती। और दही भल्ले बनाने के लिए क्या होता है, जो दाल भिगोते हैं ना उसको भिगोने के लिए करीब 4 घंटे तो चाहिए होते, 4 घंटे में अच्छे से फूल जाती है, 4 या 5 घंटे में, उसके बाद बनाओ तो अच्छी बनती है, चाहे आप चंदियाँ बनाओ या दही भल्ले बनाओ। और होली पर क्या होता, मेरे यहाँ तो खासकर गाँव में दही भल्ले तो लोग कम ही बनाते हैं, ज़्यादातर चंदियाँ बनती हैं तो वही बनाते हैं, लेकिन मैं दही भल्ले बनाती हूँ। गांव में जाती हूँ तो मैं चंदिया जरूर बनाती हूँ, यहाँ भी बना लेती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं दही भल्ले ज़्यादा बनाती हूँ। तो बस वही जा रही हूँ मैं बनाने के लिए, तो इसको मैं बाद में बनाऊँगी, पहले मैं बना लेती हूँ नमक पारे। नमक पारे में ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है, मैदा ले ली है, अजवाइन, नमक और रिफाइंड, 3 चीज़ों से बन जाएगी। तो फटाफट इसको मैं बना लेती हूँ। दही भल्ले बनाने में मुझे थोड़ा सा ना सिरदर्द लगता है, जितने खाने में टेस्टी लगते हैं उतने ही बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि मीठी चटनी बनेगी उसके लिए, खट्टी चटनी बनेगी यानी कि हरी वाली, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पहले मैं ये बना के देखिए, मैं अजवाइन की जगह ना मैं कलौजी डालने जा रही हूँ, क्योंकि अजवाइन का डब्बा और एक ही जैसे डब्बे हैं इसके। नहीं बेटा, फोन आया था अंकल का, अभी आ रहे होंगे। अभी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद मैं डब्बे में भर के रखूंगी, क्योंकि अभी इस टाइम में ना ये गर्म है और आयाम मेरा लग गया है खाने में। क्या पता, देख लो जाके। ये कभी कोई काम करते हैं ना सोच समझ के नहीं करते हैं, ले आए हैं जाके, यानी कि बुला के ले आए हैं वाईफाई वाले को, जो लगवानी है वाईफाई। और उससे मालूम क्या होगा, फ़ोन भी चलते रहेंगे और टीवी भी चलता रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो मुझे दिक्कत थी वीडियो अपलोड करने की, तो वो अब मेरी आज से टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो भैया आ गए हैं, तो बस जा रहे हैं लगवाने के लिए। आ गए ये लेके, अनु के पास है देखो। और ये बोर्ड पता, हाँ इसकी एक चटकनी खराब हो रही थी, देखिए खोल के डाल रखा है। वो कांच के वो रखे हैं ना जो पहले लगाया था, और रखे थे जो आनू के डैडी रखे थे,
वही वहाँ दीवार में लगा देना, उसी के ऊपर फोन रख जाएगा और उसी के ऊपर सेट बॉक्स रख जाएगा, दोनों चीजें रख जाएगी। बेटा आपके डैडी मम्मा वो ऊपर अलमारी के रखे हुए है, अयान के डैडी की कहीं जगह ही नहीं है रखने की। दाल धो के और मैंने रख ली, अब मैं जा रही हूँ बस फटाफट बना लेती हूँ। और ये मैंने गुड़ रखा हुआ था घोल के गर्म पानी में, जो कि जल्दी इससे मीठी चटनी जो बनाऊंगी ना तो वो फटाफट बन जाएगी। और बाकी ये है इमली, तो इसका इमली का जो पानी है ना ये मैं छान के और निकाल लूंगी, तो इससे बनाऊंगी मैं खट्टी और मीठी दोनों चटनी, तो ये दोनों में पड़ेगी। बाकी ये दाल है, मैं फटाफट इसको पीस के और फटाफट मैं बना लेती हूँ। भल्ले सारे मैंने देखिए फ्राई करके रख दिए हैं और ये मैंने पानी में डाल दिए थे। मालूम पानी से क्या होता है, ये सॉफ्ट रहते हैं और जब खाने हो तो पानी से निकाल के यानी कि ऐसे निचोड़ के और प्लेट लगा लो। और ये मैंने बना ली है रेड वाली चटनी, यानी कि मीठी चटनी है ये, और ये है हरी वाली चटनी, और बाकी ये है दही, जो कि दही मैंने घर पर ही जमाया था। और ये ना काफी टेस्टी लगते हैं खाने में भी, और इतने सारे मैंने बना लिए हैं और खाने वाले सिर्फ हम दो ही हैं। लेकिन मालूम मैं क्या करूंगी, सोनी के घर भेजूंगी, क्योंकि मैं तो वैसे भी ज्यादा खाऊंगी नहीं। और ये लिया है मैंने काला वाला नमक, और इसमें है काली मिर्च, जो काली मिर्च का पाउडर है ये। तो सबसे पहले तो मैं डालूंगी इसमें दही, है ना, अपना अपना स्वाद होता है, कोई मीठी चटनी ज्यादा खाता है, कोई खट्टी वाली ज्यादा खाता है। और दही ना मेरा थोड़ा सा पतला हो गया है, ये मैंने डाला इसमें काला नमक, और ये डाल दी है मैंने कुटी हुई काली मिर्च। तो ये देखिए प्लेट हो गई है मेरी रेडी, एंड अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।